बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चना मेथी दाल। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और कमेंट करके अपना फीडबैक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा किचन में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी और चने की दाल, जिसके लिए हमने चने की दाल इसको साफ़ करके हमने भिगो दिया था। तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने मेथी को काट के और इसको अच्छी तरह धो के रख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लिया इसको मैंने धो के काट लिया, इसको फिर धो लिया अच्छे से। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। ठीक है, मैंने इसको धो लिख के रख दिया। अब मैं करती हूँ इसको चूल्हा ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमारा ऑन हो गया। अब हम इसमें डालते हैं घी, ऑयल डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया, ऑयल। अब ये हमारे प्याज हैं, इसमें डाल देंगे। इसमें ये प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो जाए तो तब तक हम अपने फिर हम आपसे मिलते हैं। कि जब ये चीर दिए थे, अब हम इसका पीस बना लेते हैं। इसी में हम डालेंगे ये 1 चम्मच नमक का। हम चने की दाल को अच्छे से धो लेंगे, ये आप देख सकते हैं। प्याज हमारा हल्का सा हो गया, लाइट गोल्डन सा। अब हम इसमें जो सा अदरक लहसुन का पेस्ट था, साथ में नमक था, वो हम इसमें डाल देंगे। दो घूंट में इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। साथ ही इसमें हमने 1 टमाटर कट किया हुआ, यह हम इसमें डाल देंगे। अब ये 1 चम्मच हम यहाँ जीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ये इसके बराबर है, ये हमारा जड़ा मिर्च है, ये हम इसमें डाल देंगे। वन टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। अब हम इसको अच्छे से कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छे से तैयार हो रहा है। दो से तीन मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसको हो गए हैं फ्राई करते हुए, ये बहुत अच्छे से हो गए। अब हम इसमें डालेंगे जहाँ से हमारी चना दाल, जहाँ से इसको धो के रखा हुआ था, इसमें डाला है। अब हम
नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से डालनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से। झटपट बनने वाली हमारी चना मेथी दाल है, बहुत ही मजे की बनती है। 3 मिनट हो गया है भूनते हुए, अब हम इसमें डाल देंगे ये मेथी। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1.5 गिलास हमने इसमें पानी का डाल दिया। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। चार 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर देंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्रेशर हिलते हमारा 5 मिनट हो गए हैं और 3 से 4 मिनट, ठीक है। अब मैंने इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ, अब फिर हम आपको खोल के दिखाते हैं। अब हम ये इसका वेट ये अवन करते हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी है, तो हम चूल्हा चला देते हैं ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है। दाल में जो थोड़ा बहुत पानी था वो इसका खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। यह है इसमें सूखा धनिया, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चना मेथी दाल हो गई तैयार। मैंने इसको धनिया डाल के ऊपर से गार्निश कर दिया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें अपनी दुआ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अब हम मिलते हैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।